नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। और आज जो है मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो के अंदर ज़बरदस्त विला लेकर के आ गया हूँ, जिसमें कि आपको ग्राउंड फ्लोर पे भी एक किचन, एक रूम मिल जाएगा, एक हॉल मिल जाएगा, और फर्स्ट फ्लोर पे भी जो है एक किचन, एक रूम और साथ साथ हॉल मिल जाएगा। इसका प्राइस जो है बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है, क्योंकि प्राइस मात्र 25 लाख रुपए है। अगर लोकेलिटी की बात करूं तो बहुत ही अच्छी एक लोकेलिटी है, और ये जो लोकेटेड है दोस्तों, ये वैशाली नगर में लोकेटेड है, जो कि गांधी पथ पर है। और यहां से आप देख सकते हैं 30 फीट का रोड निकल रहा है सामने से, और पूरा ही बसावट वाला इलाका है। कॉलोनी की अगर बात करूँ तो अवधपुरी में ये स्थित है, और मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि जयपुर की प्राइम लोकेशन वैशाली नगर गांधी पथ पे है, और कॉलोनी का नाम मैंने आपको बता दिया है। 21 का इसका फ्रंट है, फ्रंट की अगर बात की जाए तो 21 का फ्रंट है, थोड़ा टेपर है, वो मैं आपको ऊपर से दिखा दूंगा। एलिवेशन आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का एलिवेशन है। अगर आप चाहते हैं जयपुर शहर के अंदर अपना घर लेना, और या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से आप देख रहे हैं, तो ईजिली आपका नीचे वाला 6 से 7 हज़ार रेंट में आप दे सकते हैं, और सेम ही पोर्शन ऊपर की तरफ बना हुआ है उसको भी आप 6 से 7 हज़ार रेंट में दे सकते हैं। तो ईजिली आप जो है 25 लाख रुपये लगा करके और हर महीने के 15 से 20 हज़ार रुपये जो है रेंट से भी कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही ज़बरदस्त डील आपके लिए लेकर के आया हूँ। फ्रंट जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि 21 का फ्रंट है, और साथ साथ पॉर्च एरिया, काफ़ी बड़ा पॉर्च एरिया दिया गया है। इजीली 3 बाइक आपकी यहाँ पर पार्क हो जाती है। यहाँ पर आपको वाटर टैंक प्रोविज़न मिल जाता है, जो कि 6000 लीटर का वाटर टैंक प्रोविज़न है। यहाँ पर पानी जो है सोसाइटी के द्वारा आपको कनेक्शन हो जाता है, तो पानी से रिलेवेंट कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। सीवरेज के लिए कुएं बना करके दी गई है, और उसका भी कोई सीवरेज से रिलेवेंट कोई प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाहर से स्टेयर्स आपको मिल रही है, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे लेकर के जाएगी। एडवांटेज मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो है आप इसे रेंट पे भी चला सकते हैं। 50 वर्ग गज में बना हुआ है, JDA अप्रूव्ड है, लोन से रिलेवेंट कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाया हुआ है, जो कि 50 वर्ग गज में है, और जयपुर की प्राइम लोकेशन वैशाली नगर गांधी पथ पे स्थित है। देख सकते हैं हॉल यहाँ पर आ गया है आपके। हॉल का साइज काफ़ी अच्छा है, यानी कि अगर मैं बताऊँ आपको तो 12x11 का आपको काफ़ी बड़ा एक हॉल यहाँ पर आपको मिल जाता है। सामने की साइड में आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ा वॉल है, जिसपे काफ़ी अच्छी सी एक जो है वॉलपेपर लगा करके दिया गया है, जो कि 5D वॉलपेपर है। टॉप साइड में आप देख रहे हैं काफ़ी एक अच्छा फोर सीलिंग डिज़ाइन यहाँ पर आपको मिल जाता है। क्राउंटन का फैन लगा करके दिया गया है, AC का सेपरेटली पॉइंट इस वॉल पर आपको मिल जाता है। और सबसे बढ़िया बात बता दूँ, जो कि मैं अभी तक बताई नहीं आपको, कि कॉर्नर का प्लॉट है। जी हाँ, ये कॉर्नर पे है। प्राइस मैंने आपको बता दिया है कि 25 लाख रुपए JDA अप्रूव्ड, और इस तरफ देखिए काफी बड़ी एक विंडो, प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर वेंटिलेशन बहुत जरूरी है, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, और इस घर में वो आपको मिलने वाला है। टेपर है घर, लेकिन आपको किसी भी एंगल से दिखेगा नहीं कि टेपर है। इस तरफ में आप देख रहे हैं हॉल के अंदर ही काफी बड़ी आपको ह्यूज साइज की अलमीरा मिल जाती है, वार्डरोब मिल जाती है। वार्डरोब का साइज काफी अच्छा दिया गया है, जैसे कि मैं आपको खोल करके दिखा दूं, स्लैब्स बना के दी गई है, जो कि स्टोन की है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बड़ा सामान, हैवी सामान रखेंगे तो कोई लोड नहीं पड़ने वाला है। बहुत ही अच्छी चीज, घर की हाइट काफी अच्छी दी गई है। इस साइड में आप देख रहे हैं काफी बड़े साइज के साथ में आपको यहां पर वॉशरूम मिल जाता है, जो कि अटैच, लेट और बाथ दोनों अटैच में है। यहां पर आपको जो है वेस्टर्न टॉयलेट लगा करके दिया गया है, काफी बड़ी हाइट पे आपको टाइल्स लगा करके दी गई है, हाइट काफी अच्छी है। प्रॉपरली सनलाइट, प्रॉपरली वेंटिलेशन, इस तरफ देख रहे हैं काफी बड़ा एक विंडो आपको मिल जाता है, जहां से जो है प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर वेंटिलेशन हो पा रहा है। और जो डोर दिया गया है प्लास्टिक का है, लेकिन काफी अच्छी क्वालिटी यहाँ पर जो है डोर की भी आपको मिल रही है। अब मैं आपको फर्स्ट रूम की तरफ लेकर के चल रहा हूँ। रूम के साइज की बात करूँ तो रूम का साइज जो है लगभग मान सकते हैं आप 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10x10 का रूम साइज है। काफी बड़ा एक रूम यहाँ पर आपको मिल जाता है। इस साइड में भी आपको काफी बड़ी विंडो दी गई है, देख पा रहे हैं काफी अच्छा एक सनलाइट और प्रॉपर वेंटिलेशन। और सबसे बढ़िया बात, इस रूम के अंदर भी आपको जो है वार्डरोब मिल जाती है। वार्डरोब का साइज काफी अच्छा है, अभी शायद बंद है, तो ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं काफी एक अच्छा साइज यहाँ पर मिल जाता है। AC का सेपरेटली पॉइंट दिया गया है, LED के छोटे छोटे पैनल्स जो है दिए गए हैं, दिन के समय में बड़ी लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सामने की साइड में वॉलपेपर लगा करके दिया गया है, काफी एक अच्छा वॉलपेपर है, डिजाइनेबल वॉलपेपर है। इन फ्यूचर आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज भी करवा सकते हैं। तो साइज काफी अच्छा है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ये ग्राउंड फ्लोर पे है, और मैंने आपको लगभग सारी चीजें दिखा दी है। अब मैं आपको इसकी किचन की तरफ लेकर के चल रहा हूँ, जो कि इसका मॉड्यूलर किचन है, और वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन और काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको सनलाइट आएगा, क्योंकि काफ़ी एक बड़ी विंडो यहाँ पर भी मिल जाती है। देखिए यहाँ पर वुडन का डोर दिया गया है, और हाइट काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर भी फोर सीलिंग डिज़ाइन करके दी गई है। अभी फैन रखा हुआ है, यहाँ पर फैन लगने वाला है क्राउंटन का। और यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी बड़ी एक विंडो, जैसे कि मैंने आपको बताया
और प्रॉपर सनलाइट यहाँ से हो रहा है। इजीली यहाँ पर अपना आप चिमनी लगा सकते हैं। ड्रॉअर्स काफ़ी सारे यहाँ पर बना करके दिए गए हैं। यहाँ पर आपका किचन एरिया हो जाता है, यहाँ पर आपका वॉशिंग एरिया। देखिए कितने बढ़िया तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है। वहाँ पर जो है आपका जो है गीजर लग जाता है, तो गर्मी सर्दियों के समय में गर्म पानी से अपने अपने बर्तनों को आप धो सकते हैं। तो काफ़ी एक अच्छे तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है। और जो कैबिनेट्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, हाइड्रोलिक कैबिनेट्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर यूज़ की गई है। किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आप लेना चाहें, अगर आप दो भाई हैं और आप लेना चाहते हैं ऊपर नीचे, तो यहाँ पर नीचे की तरफ भी रसोई है, एक रूम है। और आप चाहते हैं रेंट पे देना, तो रेंट पे भी आप दे सकते हैं। इजीली 6 से 7 हज़ार रुपये आराम से इसका रेंट आपको मिलने वाला है, एज इट इज़। जैसे नीचे बना हुआ है, एज इट इज़ ऊपर की तरफ बना हुआ है। मैं आपको फर्स्ट फ्लोर की तरफ लेकर के चल रहा हूँ और यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि काफ़ी अच्छी स्टेनलेस स्टील यहाँ पर यूज़ की गई है, जो कि रेलिंग पे यूज़ की गई है। और नीचे की तरफ में ग्रेनाइट आपको मिल रहा है, जो कि आपको स्टेयर्स पे सीढ़ियों पे लगा करके दिया गया है। टाइल्स यूज़ की गई है, आधे पार्ट में देख रहे हैं यहाँ पर टाइल्स हैं। और काफ़ी बड़ी यहाँ पर भी विंडो दी गई है, ग्लास लगा हुआ है, तो प्रॉपर सनलाइट आ रहा है यहाँ से। बाहर की साइड में आप देख सकते हैं और बाहर का व्यू आप ले सकते हैं। अब मैं आपको लेकर के आ गया हूँ उसके फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पर भी आपको काफ़ी बड़ा हॉल मिल जाता है। डिज़ाइन फिर से डिसेंट डिज़ाइन है, लेकिन अंदर आने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो आ जाइए अंदर, अब आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अब आगे अंदर की साइड में काफ़ी बड़ा एक हॉल यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। सामने की साइड में काफ़ी एक अच्छा जो है वॉलपेपर लगा करके दिया गया है येलो कलर के शेड के साथ में। ऊपर की साइड में काफ़ी अच्छी आपको फोर सीलिंग डिज़ाइन है। फिर से क्राउंटन का फैन है और काफ़ी अच्छा एक लुक इस रूम का मिल रहा है। इस हॉल के अंदर काफ़ी बड़ी आपको यहाँ पर विंडो दी गई है, जिससे कि प्रॉपरली सनलाइट प्रॉपरली वेंटिलेशन हो पा रहा है। और साइज़ काफ़ी अच्छा है। और इस तरफ मैं आपको दिखा दूं कि टाइल्स जो है क्रीमिश कलर में, थोड़ा वाइटिश कलर में दी गई है, तो टाइल्स का भी जो है कलर काफ़ी कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, लेकिन इस तरफ आप देखिए कि आपको मॉड्यूलर स्विचेस भी मिल रहे हैं। स्विचेस जो है मॉड्यूलर स्विचेस मिल रहे हैं। और इस तरफ आप देखेंगे काफ़ी बड़ा साइज़ के साथ में, डिसेंट साइज़ से बड़ा नहीं कह सकते, यहाँ पर आपको बाथरूम मिल जाता है, जो कि आपको वेस्टर्न टॉयलेट दिया गया है। इस साइड में वेंटिलेशन का ध्यान रखते हुए काफ़ी बड़ा एक विंडो दिया गया है, जहाँ से आप अपना एग्जॉस्ट लगा सकते हैं और प्रॉपरली सनलाइट यहाँ से भी हो रहा है। अब मैं आपको लेकर के आ गया हूँ इसके सेकेंड रूम की तरफ, जो कि इसके फर्स्ट फ्लोर पर है। और बता दूं, इस फ्लोर के साथ में आपको अटैच में बालकनी है। बालकनी का साइज़ काफ़ी ह्यूज है और रूम का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। 9x9 का साइज़ यहाँ पर आपको मिल जाता है। साथ ही साथ देखिए वाइट कलर और जो है कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है। और ऊपर के साइड में इसी कॉम्बिनेशन के साथ में आपको ऊपर के साइड में भी फोर सीलिंग डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है। और LED कॉप्स आपको लगा करके दिए गए हैं। AC की सेपरेटली यहाँ पर आपको फिटिंग दी गई है और वॉलपेपर काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है। इस साइड में काफ़ी बड़ी विंडो आपको मिल जाती है। विंडो का साइज़ काफ़ी ह्यूज है और काफ़ी बड़ा है, जहां से प्रॉपर सनलाइट और प्रॉपर वेंटिलेशन हो रहा है। यहां पर जो है आपको काफी बड़ी अलमीरा मिल जाती है, अलमीरा का साइज काफी अच्छा है। देखिए सभी चीजों का ध्यान रखते हुए बनाया गया है। नीचे की साइड में भी आपको रूम के अंदर अलमीरा है और साथ साथ हॉल के अंदर अलमीरा दी गई है। 50 वर्ग गज में बना हुआ है, JDA अप्रूव्ड है, लोन से रिलेवेंट कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अवधपुरी वैशाली नगर गांधी पथ पे स्थित है। अब मैं आपको लेकर के आ गया हूं उसकी बालकनी की ओर। बालकनी का साइज़ देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा एक साइज़ बालकनी का मिल जाता है। इस साइड में बाहर से जो है, मैंने जैसे कि बताया था कॉर्नर का प्लॉट है, सामने की साइड में पार्क आपको मिल रहा है। इस साइड में सब जगह जो है लोग बाग रह रहे हैं, तो बसावट वाला एरिया है। इस साइड में आपको जो है बिल्डिंग बनी हुई है, अपार्टमेंट बने हुए हैं, वहाँ पर भी लोग बाग रह रहे हैं। सामने की साइड में पार्क है, तो काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। और सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस घर को बनाया गया है, जो कि 50 वर्ग गज में है। आप जो है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी इसे ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो रहने के पर्पज़ से भी ले सकते हैं। प्राइस मैंने आपको बता दिया है, 25 लाख रुपए ऑन टेबल निगोशिएबल है। और जब आके आप इसको विजिट करेंगे, अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे ले सकते हैं। ऑन टेबल निगोशिएबल है, प्राइस से रिलेवेंट आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलने वाली है। बिल्डर के नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ जा करके आप उसे कॉल कर सकते हैं। आई होप सो आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अब मैं इसके साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर रसोई दिखाने जा रहा हूँ, जो कि आपको फर्स्ट फ्लोर पर है। रसोई का साइज़ फिर से बहुत ही ह्यूज साइज़ है, जो कि एल शेप में है। देखिए यहाँ पर एल शेप में आपको रसोई मिल रही है। आपको बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए सेपरेटली यहाँ पर जगह दी गई है। यहाँ पर भी आपके जो है खाना वगैरह आप बना सकते हैं। आपका जो है
गैस वगैरह यहाँ लगा सकते हैं गैस चूल्हा, और यहाँ से जो है काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। दोनों साइड में कैबिनेट्स हैं, नीचे की साइड में भी काफ़ी सारे कैबिनेट्स हैं, और ऊपर की साइड में जो है आपको यहाँ पर भी फोर सीलिंग डिज़ाइन दी गई है। साइज़ काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, जैसे कि मैंने नीचे की साइड में आपको दिखाया था ग्राउंड फ्लोर पर। अब मैंने आपको सारी ही चीज़ें रिवील कर दी है, प्राइस मैंने आपको बताया कि 25 लाख, वो भी ऑन टेबल नेगोशिएबल। और जयपुर की प्राइम लोकेशन है वैशाली नगर, गांधीपथ, अवधपुरी कॉलोनी का नाम है। पानी से रिलेवेंट कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, सिवरेज से रिलेवेंट कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, सारी चीज़ें मैंने आपके साथ रिवील कर दी है। अगर आप इस घर को अपना बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिए गए हैं, वहाँ जाकर के कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो चीज़ आज मैं भूल गया हूँ, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है पेज को जाकर के आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दिया होगा, वहाँ जाकर के उसे फॉलो कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब के बटन को दबा करके सफ़ेद कर दीजिए और घंटी को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।